हाय फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे आपको एमआई का न्यू अपडेट MI 12। ये हमारे पास मोबाइल है जो नोट 9 है, और इसमें लगा हुआ है FRP लॉक। FRP लॉक गूगल के द्वारा एक ऑथेंटिकेशन सिस्टम होता है, जिसके द्वारा पहले जो फॉर्मेट करेंगे ना मोबाइल, तो उसका पहले वाला जीमेल आईडी वो लास्ट में मांगेगा। देखिए इस तरीके से ये पहले वाली जीमेल आईडी मांगता है, तो देख लीजिए। अभी ये जब तक हम जीमेल आईडी या पासवर्ड नहीं डालेंगे तो ये आगे नहीं बढ़ेगा। तो इसके लिए हमको एक ही इसमें ना कोई सॉफ्टवेयर लगाना है, ना कोई ज़्यादा कुछ सिम लॉक वगैरह ऐसे कुछ फंडे करने हैं, तो देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं अभी। पहले आपको एक किसी भी नेटवर्क से कनेक्ट कर देना है, जैसे कि मैंने अपने नेटवर्क से वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट कर दिया है। तो इसके जस्ट नीचे लिखा हुआ आएगा जब कनेक्ट कर लेना है, और बाद में लिखा हुआ इधर ऐड नेटवर्क लिखा हुआ आएगा। इसमें ऐड नेटवर्क में इधर आप www.youtube.com इतना डालकर इसको लॉन्ग प्रेस करना है आपको। लॉन्ग प्रेस करके इधर एक लिंक का आइकन आएगा, लिंक के आइकन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप ऑटोमेटिकली YouTube में पहुंच जाएंगे। YouTube में जाते ही कोई भी आप वीडियो उठा के देख लो, या आप अबाउट या पॉलिसी में जाके चेक कर सकते हो इधर से सेटिंग में जाकर। और अभी मैं डायरेक्ट इसमें जा वीडियो, जैसे कि ये सॉन्ग है तो इसके वीडियो में कोई भी अपने सोशल मीडिया का लिंक वगैरह डालता है हर कोई, तो देख लीजिए। अभी इसके डिस्क्रिप्शन में जाता हूँ, इधर ये लिंक मिल चुका है मुझे, तो इस लिंक पर अपन को क्लिक करना है। ये सीधा क्रोम में रीडायरेक्ट होगा। अभी क्रोम में जाना है आपको, नो थैंक्स करना है, और सर्च बार में आपको सर्च करना है अपेक्स लॉन्चर 4.0.1। ये सर्च करके आपको पहले ही APK प्योर वाला लिंक आ जाएगा, या किसी भी आप वेबसाइट से APK डाउनलोड कर सकते हो। तो होने के बाद में इस पर क्लिक करना है आपको। क्लिक करके ही इधर लिखा आएगा इंस्टॉल, और आपको एस तक पर क्लिक करना है। एक दो सेकंड अभी कर देंगे, वापस थोड़ा बैक जाना है। इंस्टॉल पर क्लिक करें। अभी आपको ओपन करना है इधर, ये ओपन लिखा आ गया, ओपन करो। अभी ये सीधा आपको होम स्क्रीन पर लेके जाएगा। अभी आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाकर आपको पहले पिन सिक्योरिटी के ऑप्शन में जाकर कोई भी पिन पैटर्न आप कुछ भी लगा सकते हैं, तो मैं पिन लगा देता हूँ। टाइमर चल रहा है, ये सिंपल सा पिन लगा देता हूँ, 1 2 3 4। वापस रिट्राई, 1 2 3 4 किया। अभी आपको जाना है सेट, आप सीधा से बाहर निकल ले, या मैं आपको इस मोबाइल को रिस्टार्ट कर देता हूँ। ये देखिए, ये मैंने रिस्टार्ट कर दिया। अभी ये रीस्टार्ट हो रहा है। MIUI दिखा गया अभी। अभी ये ऑन हो गया। अभी फर्स्ट में हम पिन डालेंगे, बाद में बाकी का जो भी बचा है अभी कर लेते हैं। 1 2 3 4 पिन डाल दें। बाकी अभी ये सेम प्रोसेस करना आपको। अभी इधर वापस ये 1 2 3 4, जब गूगल आईडी से पहले ये पिन मांग रहा था, तो उस टाइम पे आपको पिन डालना है। तो आपको मैं बताता हूँ, एक और आपको करना पड़ेगा जो डेवलपर मोड में जाकर, नहीं तो आप वापस से इसको फॉरवर्ड करोगे तो पहले वाला ईमेल आईडी मांगेगा ही। तो इसके लिए आप
मेरे साथ बने रहे, इधर से नेक्स्ट करें, इधर अभी जो पिन बनाया था हमने वो डालेंगे, 1 2 3 4 ये डाला, ओके कर दिया। अब जो भी सिंपल से स्टेप्स है वो एलो 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 करना आपको, इसको स्किप कर दें, गूगल अकाउंट को स्किप। अभी सब एलो एलो करके मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड करके इसको वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। एक लास्ट स्टेप आपको करना है जो आपको बता देता हूँ, ये देखिए लास्ट स्टेप है। अभी आपको सिस्टम लॉन्चर पर क्लिक करना है, सिस्टम लॉन्चर, अभी आपको सीधा जाना है सेटिंग में, पहले ऊपर से ओवर कीजिए, इधर से सेटिंग में, ये सेटिंग, सेटिंग में जाना है आपको अबाउट फोन में, अबाउट फोन में जाकर MIUI वर्जन लिखा होगा उस पर 7 बार टैप करना है आपको, 7 बार, ठीक है। तो ये आपका डेवलपर मोड ऑन हो जाएगा। अभी आपको एडिशनल सेटिंग में जाना है, एडिशनल सेटिंग में जाकर डेवलपर ऑप्शन पर क्लिक करना है, बाद में आपको जाना है EOM अनलॉकिंग पर क्लिक करके इसको ऑन करना है। तो आप अपना पासवर्ड जो डाला था वो डाल दीजिए, 1 2 3 4, यस। अभी इसको अनेबल कीजिए, ठीक है। अभी आप वापस बाहर जाइए, बाहर जाकर आपको इस मोबाइल को फॉर्मेट करना है, फॉर्मेट यानी डाटा रीसेट करना पूरा। तो आप वापस अबाउट फोन में जाइए, अबाउट फोन में जाकर फैक्ट्री रीसेट, नीचे लिखा हुआ आएगा ऑल डाटा इरेज, तो इधर से आपको फैक्ट्री रीसेट कर देना है, ओके ओके पर क्लिक करना है आपको। ये ओके, ये देखिए ये मोबाइल वापस से ऑन हो जाएगा। अभी आपको सब स्किप 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 करना है, कोई भी लॉक वगैरह नहीं लगाना है, ये मोबाइल वापस ओपन हो जाएगा, जैसे कि नया आम खरीदते हैं उसी तरीके से। अब कोई आपके सामने जीमेल ऑथेंटिकेशन वाला सिस्टम नहीं आएगा। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और आप अगर ये ट्रिक आपके काम करती हो तो प्लीज़ लाइक करके हमें बताएं, कमेंट करके बताएं। कोई भी इश्यू आए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा आपकी। थैंक यू, धन्यवाद।